एक्टिंग ही कर रही थी, लेकिन आई थिंक पिछले दिसंबर से मैं, ये मेरा तीसरा गाना जो मैं शूट करने जा रही हूँ, और जो ये गाना है 50s की आपको याद दिलाएगा, जो कॉस्ट्यूम भी है, जो सॉन्ग है, जो लिरिक्स हैं, जो म्यूज़िक है, बहुत ही कमाल का है, और बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज इस तरह का माहौल मैंने कभी नहीं देखा. मैं जिंदगी में मैंने पहली बार मुहूर्त अटेंड किया है. मैंने वीनस के साथ 2-3 फिल्में की हैं, बट इस बार मैं बहुत सालों बाद उनके साथ काम कर रहा हूँ. सतीश के साथ बहुत दिनों बाद काम कर रहा हूँ. सतीश ने इसका स्क्रिप्ट का मुझे 1.5 महीना पहले इसका कहानी का सार बताया था. बंगाली फिल्म पर आधारित है, मगर जो अडेप्टेशन सतीश जी ने किया है, मैंने तो वही सुना, मैंने वो बंगाली फिल्म देखी है. एक्चुअली मैं सतीश जी से मिली तो 10 दिन पहले थी फॉर दिस मूवी, बट ही नरेटेड मी द रोल, ही नरेटेड मी द स्क्रिप्ट, एंड राइट अवे आई वांटेड टू डू इट, बट माय डेट्स वर क्लैशिंग विद 1920 बिकॉज आई वाज सपोज्ड टू स्टार्ट 1920 ऑन 1st May, बट 1920 गॉट पोस्टपोन्ड फॉर अनदर 2 मंथ्स. और फिर मैंने सतीश जी का फ़ोन किया कि अगर आपने किसी को कास्ट नहीं किया तो मैं अवेलेबल हूँ. सो ही सेड ग्रेट, कम टू द ऑफिस, एंड दैट्स हाउ आई गॉट ऑन बोर्ड. इट इज़ ए वेरी अनयूजुअल कॉन्सेप्ट. मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो कॉमेडी से रहा है, मतलब मैं तो खुद, मतलब मेरी परफॉर्मेंसेज में हमेशा ऐसे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिले हैं, और मेरा ताल्लुक एक जाने भी दार जिसी फिल्म से रहा है जिसको मैंने लिखा था, और जाने भी दार के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो कि बहुत वैकी है, बहुत मैड है, इसमें एक सोशल एंगल भी बहुत अच्छा है, और जो जिस तरह से कहानी को बताया गया है वो बहुत अच्छा है.